हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा। संग माने आज आम कंप्यूटर उपर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जो क्वेश्चन आमर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर पाई बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहुजी। जदि भी आपण मानक यार पीडीएफ दरकार, आपण माने आम जीके ओडिशा टेलीग्राम चैनल जॉइन होइकी यार पीडीएफ टी को पाइपारे। ये होंगे आम पार्ट नंबर 20। आम अलरेडी आपण मानक 19 गोटी पार्ट प्रोवाइड कर देचु। जदि आपण माने देखी नांती आम प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखिपारे 19 गोटी पार्ट, जे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक आज आम डिस्कसन करवा। देखुन सांग माने, जदि आम सिलेबस वाइज देखिबा, ये आम ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक अपकमिंग एग्जाम पाई की वीडियो टी इंपोर्टेंट रहुची। कहीं प्रत्येक एग्जाम रे वर्तमान टाइम रे कंप्यूटर क्वेश्चन आसिलाने, सेतिपई प्रत्येक एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहुची। किंतु आमर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एग्जाम बहुत जल्दी हबाक जाउची, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आजर वीडियो टी आपण मानक पाई की बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। देखुन संग माने, आमे जे कि आपणक पाई की टारगेट रखिचु फॉरेस्ट गार्ड भितरे 1000 रो कंप्यूटर एमसीक्यू प्रोवाइड करिवु। से 1000 एमसीक्यू जो प्रोवाइड करिवु, वर्तमान तार सीरीज चलीची, आपण माने वर्तमान थारु कंटिन्यू करि चालंतु। जो दिन 1000 कंप्लीट हे जिवो, ता पर दिन गोटे 1000 रो माराथन क्लास आनिबा, जे कि आपण मानकर पूरा भी आउ थरे रिविजन हे जिवो, जहा भी प्रॉब्लम अछि क्लियर हे जिवो। तबे चालंतु आजर प्रथम क्वेश्चन टिकु आमे आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु 416 क्वेश्चन टी कहूची, हुईज वन अफ द फलोईंग फोर वार्ड इज ऑड। क्वेश्चन कहूची कि निम्नलिखित मानक मध्य जो चारोटी वार्ड आपको देही, ए मानक मध्य केउटा गोटे ऑड वार्ड। करेक्ट आंसर कौन है कहतु, कौन कहे ना ऑप्शन डी फेरीफेलार। ठीक अच्छे, फेरीफेलारटा जेकि गोटे हूँ ऑड वार्ड, ना आम जो रहा कि सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन, ये सब हूँ गोटे समान वार्ड, किंतु फेरीफेलार हूँ गोटे ऑड वार्ड। ऑप्शन डी हो जीवो करेक्ट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 417 मनी ट्रांसफर थ्रो मोबाइल इज कॉल्ड। देखो सांग माने, जेतेबेले आमे जेतेबेले मनी ट्रांसफर करिथाउ मोबाइल रे, ताको आमे कोन कहिथाउ। करेक्ट आंसर कोन हे कोंतु, ना ऑप्शन डी IMPS। जेतेबेले आमे मोबाइल रे मनी ट्रांसफर करिथाउ, सेतेबेले सेया को आमे कोन कहू, ना IMPS। बेलेबेले एई IMPS रो फुल फॉर्म पचार दिए, मने रखिथांतु IMPS रो फुल फॉर्म हेउची इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस हेउची IMPS रो फुल फॉर्म, मने रखिथिबे। तबे चालंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 418 क्वेश्चन टी कहू कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। जे कि कंप्यूटर रो निम्नलिखित मानक मध्य ऑप्शन ए बी सी डी मध्य केउटा गोटे कंप्यूटर रो कैरेक्टरिस्टिक। करेक्ट आंसर कौन है, ना ऑप्शन सी स्पीड। स्पीड हेउची कंप्यूटर रो कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 419। सांगो माने, प्रत्येक क्वेश्चन को मु आपनकु ओडिया रे ट्रांसलेट करी कहूची, जेमिति कि आपनकर किछि भी प्रॉब्लम होबनी। जदि भी किछि प्रॉब्लम होउची, आपण हमको कमेंट करंतु कि आपनकर को जगह रे प्रॉब्लम होउची, बा को क्वेश्चन आपण बुझी परिलेनी, तो नेक्स्ट वीडियो जेतेबेले आमे आपनकु प्रोवाइड करिवु, सेइ टाइप रे आपनकु सेइ क्वेश्चन आपनकर डाउट थिबा क्वेश्चन टाकु आमे डिस्कशन आउथरे करिबा। क्वेश्चन नंबर 419 देखंतु, हुईज इज कनसीडरेड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। कौन कहूँ ना डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस क्या कहुए। देखूँ ये जो आपण मैंने देखुं, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटर, ऑल ऑफ द एबव, यही निम्नलिखित मानक मध्य क्या कौन कहुए, ना डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कहुए। करेक्ट आंसर कौन है, आपण मैंने कहे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन ए एवं बी एवं सी हो जाए एटी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 420 क्वेश्चन टी कहूँ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन हाज। कौन कहला ना, आम जो डेस्कटॉप कंप्यूटर को कौन कहा जाए, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कौन कहा जाए। करेक्ट आंसर कौन है कहतु, आपण मैंने कहे ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आमर पर्सनल कंप्यूटर बोली कहा जाए, ऑप्शन डी हो जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, चलंतु क्वेश्चन नंबर 421 देखंतु, पर्सनल कंप्यूटर इज ए, आपण माने जानिले डेस्कटॉप कंप्यूटर को आमर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाए, किंतु पर्सनल कंप्यूटर को कौन कहा जाए।
कौन कहे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 421 रो ना ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर बुझी पाइले डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमारा पर्सनल कंप्यूटर को आ जाए एवं पर्सनल कंप्यूटर गुटी होची माइक्रो कंप्यूटर जे की ऑप्शन बी है जीवा हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन नंबर 422 सीआरटी इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ए क्वेश्चन टी कौन कहला ना सीआरटी केउटी व्यवहार करा जाए सीआरटी टा हमर केउटी व्यवहार करा जाए करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु सीआरटी रो भी फुल फॉर्म आपन मानक पाई रखी सेटा आपन को कहि देबी किंतु वर्तमान टाइम रे आपन माने हमको कोंतु सीआरटी केउ जा टेक्नोलॉजी टा केउ जगह रे व्यवहार करा जाए करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन बी मॉनिटर मॉनिटर रे जे की व्यवहार करा जाए ऑप्शन बी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 423 द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय कौन कहूँ ना आमर जो पर्सनल कंप्यूटर रहिला से पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री टाकू किए आरंभ करथिले करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन ए आईबीएम आईबीएम जे कि आमर पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री को आरंभ करथिला ऑप्शन ए हे जीवो आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 424 व्हाट इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर रो मीनिंग कौन द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड कंप्यूटर कोंदु हमर जो डेडिकेटेड कंप्यूटर रहिला तार मीनिंग तार माने कौन करेक्ट आंसर कौन हेबो आपण माने कहबे ऑप्शन सी जे कि व्हिच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क बुझि पाइले डेडिकेटेड कंप्यूटर रो माने होची व्हिच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क होची डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑप्शन सी हे जीवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 425 व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए स्कैनर स्कैनर टा हमर केउ टाइप रो डिवाइस कोंतु एटा गोटे इनपुट डिवाइस ना आउटपुट डिवाइस ना सॉफ्टवेयर ना प्रोसेसर करेक्ट आंसर कोन हेबो 425 आपण माने कहिबे ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस स्कैनर टा गोटे हमर हेउची इनपुट डिवाइस जे कि ऑप्शन ए हे जीवो हमर करेक्ट आंसर क्लियर देखो संग माने आमर एग्जाम रे ए टाइप रो ही क्वेश्चन आसुची आपण माने भाबुथिबे कि क्वेश्चन बहुत इजी होउची कि बहुत हार्ड होउची जो माने हार्ड भाबुचंती ना शिक्षक मानको कौन पई लागुची ना देखो संग माने जेते बेला आमे छोटो थिले आमे दुई दुने चार जानिबा पई भी आमको बहुत हार्ड लागुतला काहे कि ना सेते बेला आमे जानी नथिले किंतु वर्तमान कौन दुई दुने चार रे तो समस्त जानी कहीं ना आम से सीखी जाइए सेमती प्रत्येक जिनस आम जब सीखी जावा से आमको इजी लगी थाए जेपर्यंत आम न शिखीचे से आमको बहुत हार्ड लगी थाए से कि प्रत्येक जिनस को जानवा को चेषा करूँ ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपेरेसन होती मैंने ये सब जानवा आपति आवश्यक जे कि बहुत बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक आज आम डिस्कसन करुचे ठीक अच्छे स्कानरटा जे कि आम गोटे हूँ इनपुट डिवाइस जे कि ऑप्शन ए हे जीवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 426 व्हाट प्रोड्यूस यूजफुल इनफर्मेसन आउट ऑफ डाटा देखो क्वेश्चन नंबर कहूँ डाटारु यूजफुल इनफर्मेसन किए प्रोड्यूस करें डाटारु यूजफुल इनफर्मेसन टाकू किए प्रोड्यूस करें 426 रो करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु आपण माने कहबे ऑप्शन बी जे कि प्रोसेसिंग टा जे कि डाटा रु यूजफुल इनफॉरमेशन टा को प्रोड्यूस करिथाय जे कि ऑप्शन बी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 427 क्वेश्चन नेठी कहू जी हु इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब टा को किए इन्वेंटेड करथिले करेक्ट आंसर कौन हेबो कोंतु 427 रो कौन हेबो ना ऑप्शन ए कौन हेबो ना जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ठीक है जी जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जे कि वैक्यूम ट्यूब टा को आविष्कार करथिले ऑप्शन ए हे जीवो हमर एठी करेक्ट आंसर चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 428 देखंतु कौन कहिला क्वेश्चन टी कहू जी कि द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड क्वेश्चन एठी पचारिला कंप्यूटर स्क्रीन रे सिंबल ब्लिंकिंग करी थाए ताकू कौन कहा जाए कंप्यूटर स्क्रीन रे जेते बोले सिंबल डा जे कि ब्लिंकिंग करी थाए ताकू कौन कहंती 428 रो करेक्ट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन डी ताकू कर्सर बोली कहंती ठीक अछि ऑप्शन डी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 429 क्वेश्चन टी देखंतु भले प्रथमे ए क्वेश्चन टा को बुझिबा को चेष्टा करंतु क्वेश्चन टी कौन देची क्वेश्चन टी कहू जी कि
न्यूमिक इज मेमोरी ट्रिक इज यूज इन हुईच अफ द फलोईंग लांगुएज आमर जो रहा कि न्यूमिक मेमोरीटा ये न्यूमिक मेमोरी जे कि आमर क्यों लांगुएज रे व्यवहार करा जाएगी आमर न्यूमिक मेमोरीटा क्यों लांगुएज रे व्यवहार करा जाएगी करेक्ट आंसर कौन है कहते 429 रो आपण माने कहबे ऑप्शन बी असेंबली लांगुएज असेंबली लांगुएज रे जे कि आमर न्यूमिक मेमोरीटा को व्यवहार करा जाएगी जे कि ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 430 देखंतु क्वेश्चन टी कोन कहूची ना व्हेयर द कंप्यूटर माउस मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ द टेबल द ट्रैक बॉल इज देखंतु क्वेश्चन टी कहूची कि जेउठारे कंप्यूटर माउस टेबल पृष्ठ रे गति करे से ट्रैक बॉल गुटिए कोन ठीक अछि द ट्रैक बॉल इज जे कि ट्रैक बॉल गुटिए कोन करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु ना ऑप्शन बी स्टेशनरी ट्रैक बॉल हेउ गुटिए स्टेशनरी जे कि ऑप्शन बी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 431 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR MICR रो फुल फॉर्म कोन हेबो कोंतु MICR रो फुल फॉर्म कोन हेबो आपण माने कहबे ऑप्शन ए मैग्नेटिंग इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ठीक अछि जे कि मैग्नेटिंग इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जे कि हमर हे जीवो MICR रो फुल फॉर्म चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 432 क्वेश्चन टी कहूँ कि व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन MICR आमर जो MICR आपण मानक फुल फॉर्म कहली ए सी रो फुल फॉर्मटा जे कि सीटा कहा को रिप्रेजेंट करूची से MICR रे सीटा कहा को रिप्रेजेंट करूची कौन कहबे आपण माने कहबे ऑप्शन डी कैरेक्टर सीटा जे कि हमर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करूची चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 433 हैकर्स हैकर्स गोटी हमर कौन द मीनिंग ऑफ हैकर हैकर गोटे कौन हैकर माने कौन कहतु क्वेश्चन नंबर 33 आपण माने कहिबे जे कि ऑप्शन बी हे जीवो करेक्ट आंसर ब्रेकिंग इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर ठीक अछि जे कि हैकर्स रो माने होची ब्रेकिंग इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर जे कि कौन ना गोटे हैक कर देले कौन कंप्यूटर हमर ब्रेक हो जाए बंद हो जाए जे कहार ना अदर पर्सन जे कि अन्य जनकर कंप्यूटर ठीक अछि जे कि ऑप्शन बी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 434 MIME स्टैंड फॉर MIME रो फुल फॉर्म कोन हेबो कोंतु आपण माने कहबे ऑप्शन बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ठीक अछि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हेउची हमर MIME रो फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 435 क्वेश्चन एटी कहउची Which of the following control the process of interaction between user and operating system? Question ti kahu ji, amar dekhantu user ebong operating system madhyare jo rahila ki interaction process ku kie control kari thae. Correct answer kon hebo kondu? Na option B. User interface je ki amar user ebong operating system madhyare jo rahila ki इंटरैक्शन प्रोसेस टाकु जे कि यूजर इंटरफेस कंट्रोल करिथाय ऑप्शन बी हे जीवो हमर एटी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 436 एटी कहूची वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSIV फुल फॉर्म माने रखितांतु वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हेउची VLSI रो फुल फॉर्म जे कि एटा कहूची कि VLSI ऑफ चिप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखंतु आमर जो VLSI टा रहिला एटा को जे कि हमर केउ जनरेशन कंप्यूटर रे इंट्रोड्यूस्ड करा जायथिला करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन रे जे कि हमर VLSI जे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टा को इंट्रोड्यूस्ड करा जायथिला जे कि ऑप्शन डी हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 437 Which of the following device cannot be shared across a network? कौन कहिला? ना हमर केउ डिवाइस नेटवर्क को शेयर करा जाई पारे नाही बा केउ डिवाइस रे नेटवर्क टा को शेयर करा जाई पारे नाही 437 रो करेक्ट आंसर कोन हेबो ना ऑप्शन कोन हेबो ना ऑप्शन ए माउस रे जे कि हमर कोन ना नेटवर्क टा को शेयर करा जाई पारे नाही ऑप्शन ए हे जीवो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 438 क्वेश्चन कहू छी कि व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली इंसर्ट बुलेट पॉइंट
कौन कहला ना बुलेट पॉइंट को क्विकली इनसर्ट करने को हेले तार शॉर्टकट की कौन करेक्ट आंसर कौन है वो आपण माने कहिबे ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल व्यवहार करने द्वारा जे कि बुलेट पॉइंट को क्विकली इनसर्ट करा जाई पारे ठीक अछि। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 439 एठी क्वेश्चन टी कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। देखो तो क्वेश्चन टी कहू छी कि निम्नलिखित मानक मध्यरु ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहा को गोटे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भाबरे व्यवहार करा जाय करेक्ट आंसर कोन हेबो कोंतु आपण माने कहबे ऑप्शन सी मैग्नेटिक ड्रम ठीक अछि। मैग्नेटिक ड्रम को गोटे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भाबरे व्यवहार करा जाय जे कि ऑप्शन सी हे जइबो हमर एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 440 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। एटा तो समस्त जानिथिबे www रो फुल फॉर्म कोन आपण कहबे ऑप्शन ए हे जइबो करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हेउची www रो फुल फॉर्म। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 441 जे कि आज रो शेष प्रश्न क्वेश्चन कोन कहउची ना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। प्रथमे आपन को कहली ट्रिपल डब्ल्यू रो फुल फॉर्म जे कि वर्ल्ड वाइड वेब किंतु एठी कहला कि आउरी गोटिए डब्ल्यू लगे देला चारटा डब्ल्यू। चारटा डब्ल्यू रो फुल फॉर्म कोन हेबो कोंतु प्रथमे आपन कहबे हमर तीनटा डब्ल्यू कोन थिला ना वर्ल्ड वाइड वेब ठीक अछि। तापर आउ गोटिए डब्ल्यू रहला आर कोन लागिवो आपण माने कहबे ऑप्शन सी हे जइबो करेक्ट आंसर ओर्म ठीक अछि। वर्ल्ड वाइड वेब ओर्म हेउची एहारो फुल फॉर्म ठीक अछि जे कि ऑप्शन सी हे जइबो हमर करेक्ट आंसर। एटा प्राय पिला जानि न थांती एटा को भी आपण मन रखंतु काहे कि ना ए जो www तीनटा डब्ल्यू लो कॉमन हे गलाई ए क्वेश्चन वर्तमान आसुनी किंतु वर्तमान टाइम रे चारटा डब्ल्यू लो फुल फॉर्म पचार दउची सेति पई आपण माने मन रखिथंतु वर्ल्ड वाइड वेब ओर्म हेउची चारटा डब्ल्यू लो फुल फॉर्म जे कि ऑप्शन सी हे जइबो हमर करेक्ट आंसर। संगो माने ये थिला आजिर कंप्यूटर क्वेश्चन आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट रहउची वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो टी आपण मानको भलो लागउची तेबे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दियंतु एवं संगो साथी मानको वीडियो टी को शेयर करंतु। मु बहुत जल्दी आपण मानको पई नेक्स्ट वीडियो टी नै आसुची। जय जगन्नाथ।